हम दिनभर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजीव गांधी स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह, कलेक्टर जाकिर हुसैन ने फहराया झंडा। भाजपा अदा करेगी विपक्ष की भूमिका, संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर 28 जनवरी को कर मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन। अग्रवाल समाज समिति की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। खाद्य सुरक्षा योजना का सामाजिक अंकेक्षण, पात्रता रखने वालों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। अब खबरें विस्तार से। 17वां गणतंत्र दिवस समारोह जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह शनिवार को जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले जिला कलेक्टर ने सुबह कलेक्टर आवास पर और फिर जिला कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण भी किया। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मुख्य समारोह की शुरुआत जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने ध्वजारोहण के साथ की। उसके बाद राष्ट्रीय गान और मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण के बाद पुलिस और आरएसी समेत विभिन्न टुकड़ियों द्वारा पुलिस लाइन इंचार्ज भवानी सिंह के नेतृत्व में मार्च पास्ट किया गया। मार्च पास्ट के दौरान एसआई लखवीर सिंह के नेतृत्व में 3rd RAC, सब इंस्पेक्टर विश्व वर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस पुरुष, सब इंस्पेक्टर संध्या बिश्नोई के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस महिला, इंद्र कुमार निनानिया के नेतृत्व में राजस्थान होमगार्ड, हरीश चामोली के नेतृत्व में राजस्थान महिला होमगार्ड, सीनियर अंडर ऑफिसर गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में NCC स्टूडेंट पुलिस कैडेट, स्टूडेंट पुलिस जूनियर विंग आउट गाइड और स्कूली बच्चों ने शानदार मार्च पास्ट किया। मार्च पास्ट के आखिर में बैंड की भव्य प्रस्तुतियां दी गई। इसके बाद एडीएम प्रभातीलाल जाट ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश को आजाद करवाने में अपना योगदान देने वाले ज्ञात अज्ञात सभी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों के साथ ही आंतरिक सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों को शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश में नई सरकार गठित करने हेतु 15वीं विधानसभा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए चुनाव के लिए सभी को मेरी हार्दिक बधाई। राज्य का समन्वित एवं समावेशी विकास करने हेतु नई सरकार ने संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही की कसौटी पर सुशासन सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सुनवाई, त्वरित कार्रवाई एवं वैमनस्य मुक्त शासन व्यवस्था उपलब्ध करवाना नई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन की घुड़साल टीम के प्रदर्शन ने सबको रोमांचित किया। एसपी और पुलिस लाइन इंचार्ज आरआई के देखरेख में चल रही घुड़साल टीम ने मांगीलाल भारी के नेतृत्व में शानदार प्रस्तुति देकर रोमांच पैदा कर दिया। मांगीलाल भारी ने सलामी के साथ टेट पैकिंग का भव्य प्रदर्शन किया। टेट पैकिंग में सीनियर घुड़सवार संदीप कुमार ने निशाने के पास बैठकर साहस का परिचय दिया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा जिले की वीरांगनाओं और लोकतंत्र सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात जिले की 69 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने व्यायाम प्रदर्शन किया।
गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में छात्राओं ने प्रेरणास्पद कार्यक्रमों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांधा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने पर टाउन हॉस्पिटल को 3 लाख का चेक और ट्रॉफी, सीएससी नोहर और धोलीपाल को 1-1 लाख और प्रशस्ति पत्र दिए। इसके अलावा कार्यक्रम अवार्ड के अंतर्गत पीएससी मालारामपुरा को जिले में प्रथम आने पर 2 लाख और प्रशस्ति पत्र, पीएससी खोतावाली और घेऊ को 50-50 हजार, अर्बन पीएससी में हनुमानगढ़ टाउन को 50 हजार के चेक सौंपे गए। जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर के अलावा हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, एसपी कालूराम रावत, नगर परिषद चेयरमैन राजकुमार हिसारिया, पंचायत समिति प्रधान जयदेव भिड़ासरा, एडीएम प्रभाती लाल जाट, एसडीएम सुरेंद्र पुरोहित, डीआईजी स्टाम्प भवानी सिंह पवार, डीएसओ उमेश सिंह, महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक शकुंतला चौधरी, डीवाईएसपी वीरेंद्र सिंह, पीआरओ सुरेश बिश्नोई आदि प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। तो लड़की अपना बचाव कैसे करेगी, ये आपके सामने जो है ये बच्चियां दिखा रही है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और अब डबरवाला में सरस्वती स्कूल की छात्राएं हैं, वो प्रदर्शित कर रही है कि सामने से कोई लड़का सिर पर वार करे तो उसका बचाव कैसे करे। और ये देखो नन्ही मुन्नी बच्ची जो है इसी ने ही पटक दिया है इतनी भारी भरकम बच्ची को। और अब जो है 5 रुपए आप दिखा रहे हैं, डबरवाला स्कूल की जो छात्राएं हैं वो प्रदर्शित कर रही है कि सामने से कोई लड़का छेड़छाड़ करे तो लड़की अपना बचाव कैसे करे। ये आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त ये पटकनी मारी है। ये बच्चे जो हैं
ये व्यवस्था से बोलते और सुनते नहीं है, लेकिन आपको ये बताया अब ये प्रदर्शित हो रहा है निःशुल्क दवाई योजना, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना में है उसको लेकर बहुत ही जानकारी प्रदर्शन है और तम्बाकू को छोड़ने तम्बाकू की रोकथाम की दिशा में जो है सबसे भागीदार ढंग से लेकर आ जाए कहा गया जा रहा है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो दिन भर में पी जाने वाली बीड़ी सिगरेट खराब है उनको आप छोड़ दें और उससे पैसा जो देते हैं उसको बचाएं, ये सब जो है तम्बाकू गुंडा प्रकार के वाहन जो है और जो है पैसा जो है उसके बनेगा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये प्रदर्शित किया जा रहा है जो नियंत्रण का कार्यक्रम जो चल रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की ओर से झांकियों के जरिए संदेश दिए गए। कार्यक्रम के आखिर में राजस्थान पुलिस चुनाव शाखा कृषि विभाग विद्युत वन पीएचडी नगर परिषद श्री गगनगर दुग्ध डेयरी आईसीएनपी जिला परिषद सहकारिता महिला एवं बाल विकास शिक्षा समाज कल्याण और चिकित्सा विभाग समेत कुल 14 झांकियों का भव्य प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला अधिकारिता विभाग की झांकी ने प्रथम, यातायात पुलिस और चिकित्सा विभाग की झांकी ने द्वितीय और शिक्षा विभाग की झांकी ने तीसरा स्थान हासिल किया। ये बता रही है कि रासायनिक खाद कीटनाशक उन्नत चीज जो है वो राष्ट्र है पशु आहार वगैरह जो है वो सहकारी सहकारी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और अब आ रही है जिला प्रशासन महिला अधिकारिता महिला बाल विकास विभाग की धर्म मेरी बेटी मेरा ये देखो एक बच्ची घर के काम काज के बाद बकरियां चलाने के लिए घर से निकली है, एक प्रेरणा देकर आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही है, और ये देखो पढ़ाई में जो बच्चे सोनिया देखे हुए और कार्यकर्ता उन्हें समझाते हुए, और यहाँ तो हद हो गई बाल विवाह जो कि बिल्कुल ही गलत है, जिन बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है वो कर रही है शादी जो नहीं होनी चाहिए, आखिर पुलिस वालों को आना ही पड़ा और समझाना पड़ा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ कर सकेंगे। आंगनवाड़ी परमेश्वर सर ने बच्चों को कार्यकर्ता के द्वारा तिलक अभिषेक और माला पहनाकर उन्हें प्रेरित करते हैं, और फिर दूसरा पड़ाव पाठशाला में जा रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, आखिर हासिल हुई सफलता, घटने की मीनार पर पहुंच गई महिलाएं, शिक्षित होकर अपने लक्ष्य को हासिल करके जीत का जश्न मनाती हुई ये महिलाएं, महिला सशक्तिकरण हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारी शक्ति ने हनुमानगढ़ की शान बढ़ाई, जय हिंद। और ये झांकी जो है वो महिला अधिकार महिला बाल विकास विभाग की झांकी जिन्होंने यहाँ जो है विभिन्न बढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी और अब आ रही है शिक्षा विभाग की झांकी मैं भी पढ़ूंगी आगे बढ़ूंगी का संदेश देते। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और पत्रकारों के बीच रस्साकसी और क्रिकेट का मैच हुआ, जिसमें जिला प्रशासन की टीम विजेता रही और सामना करेंगे मनोज पुरोहित एक बार फिर से डीटीओ जगदीश चंद्र का, और ये हल्के से बॉल डालते हुए और मनोज पुरोहित ने घुमा दिया है और कहते हैं इस बार बहुत अच्छा कैच और मनोज पुरोहित के साथ आउट होते हैं, ऐसा कैच बराबर से गजब कैच किया है। प्रशासन तक में थोड़ी सी उल्लास नजर आ रहा है, फिर से तैयार है डीटीओ जगदीश चंद्र और सामने है सुभाष अपनी टीम का दारोमदार लेकर और ये बॉल करती है और ये सुभाष ने घुमाने का प्रयास किया और ये दोनों मेरे प्रयास लेके देखकर जगह तो सीखने पड़ेगी क्योंकि गेंद वहां पर ये देखिए जो प्रकरण है फिर वो लेकर चैलेंजर और ये बॉल फेंकते हुए सामने पंकज मित्र ने घुमाने की कोशिश की है और ये पीआर ने आउट करने का प्रयास किया लेकिन बॉल हाथ में नहीं आई। जिला स्तरीय कार्यक्रम होने के बाद जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम का पत्रकारों की टीम के साथ बेबी हैप्पी कॉलेज ग्राउंड परिसर में मैत्री क्रिकेट मैच और रस्साकसी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की टीम विजेता रही। खास बात यह कि क्रिकेट मैच का रोमांच आखिरी बॉल तक बना रहा और प्रशासन की टीम ने मात्र एक रन से मैच जीत लिया। पत्रकारों की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, प्रशासन की टीम
कप्तान कलेक्टर जाकिर हुसैन और एसपी कालूराम रावत के नेतृत्व में खेल रही थी। मैन ऑफ द मैच कलेक्टर के संजय शर्मा रहे, जिन्होंने 22 रन बनाए और 4 विकेट लिए। इससे पहले प्रशासन की टीम ने 20 ओवर में 115 रन बनाए, पत्रकारों की टीम ने 20 ओवर में 114 रन बनाए। पत्रकारों की टीम का नेतृत्व अदरीस खान ने किया। आज हम जो फ्रेंडली मैच खेले हैं उसको पूरे फ्रेंडली वे में खेला और लास्ट तक हंसी मजाक चलती रही, ये बहुत अच्छी बात है। खेल में हार जीत का कोई महत्व नहीं है, एक टीम का हारना निश्चित है, लेकिन खेल की जो भावना है वो बनी रहनी चाहिए। और मेरा ये मानना है जो अभी सुनने को मिला कि ये खेल पूरी तरह से खेल की भावना से खेला गया। प्रेस और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों आम जनता के लिए काम करते हैं और दोनों में सामंजस्य बहुत जरूरी है। वो सामंजस्य यहाँ भी देखने को मिला और रोजाना के जिंदगी में देखने को मिलता है। और यहाँ पे खास तौर से बहुत अच्छा सामंजस्य अपने बीच में है। जनहित के जो भी मुद्दे हैं वो आप उठाएं, प्रशासन उनका निराकरण करें और मिलजुल के अपन सभी चीज़ों में जिले को आगे ले जाएं, ये मैं चाहता हूँ। मैंने इनसे फिर अनुरोध किया था, मगर आप लास्ट में छोड़ दो, लेकिन आप इतने ढीले पड़ चुके लास्ट में तो कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपने समर्पण कर दिया, ये भी आपकी मानता है, इसके लिए भी आप साधुवाद की पात्र हो। जो भी है, शुरू से लास्ट तक बड़ा रोमांचकारी मैच रहा और बड़ा एंजॉयमेंट किया सबने। और ये एक मैत्री मैच था, आज का दिन बहुत अच्छा दिन था, गणतंत्र दिवस था, उसके साथ में वहाँ भी एंजॉय किया को अपने स्टेडियम में, यहाँ भी इतना अच्छा एंजॉय करने का मौका मिला, शुरू की बॉल से लास्ट की बॉल तक फुल एंजॉय किया। कुछ बीच में सर एक मैं निवेदन कर दूं, इनके ओवर 20 खत्म हो गए, 12 आउट हो गए थे, मैं कहते 15 खिला दो, वो ओवर खत्म किया तो मैं आपको जिता के छोड़ दे, लेकिन यहाँ भी हमारी किस्मत कुछ कमजोर निकली। आज लोकतंत्र का चौथा पाया कि वास्तव में किस्मत बुरी थी, जो भी है, लेकिन हम ये मानते हैं आपकी हमारी एक ही जीत है, आपको बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत अच्छा मैच, जो कल्पना हम लोगों ने की थी और जो हमारा मकसद था, दरअसल ये प्रशासन और पत्रकार के बीच हर बार एक मैत्री मैच होता है और बहुत रोमांचकारी होता है, और इस बार अगर रोमांच नहीं होता तो शायद इस मजा कुछ और ही होता, फिर मजे मतलब टाइम हम लोग 4-5 घंटे लगाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहला मकसद होता है कि पत्रकार और प्रशासन के बीच में, क्योंकि हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, सामंजस्य होना चाहिए। हम लोग एक अलग तरीके से बात करते हैं, खबरों की बात करते हैं, लेकिन आज वो दिन होता है जब हम खबरों के अलावा सिर्फ रोमांच हासिल करते हैं और खेल की जो भावना है वो हमेशा हमें एकजुटता का संदेश देती है। नगर परिषद उप कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उपसभापति नगीना बाई ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर एएन पुरुषोत्तम जैन, पार्षद गुरदीप सिंह बप्पी, राजेंद्र चौधरी आदि उपस्थित रहे।
ग्रहण समारोह रविवार को हुआ। समारोह में नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज बंधुओं ने भाग लिया। आज अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन की वर्ष 2019 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें भारी मात्रा में अग्रजन माताएं बहनें पधारी हैं। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ ले रहे हैं। कार्यकारिणी मिलकर अपने जो संरक्षक मंडल है उसे विचार विमर्श करके जो अग्रबंधु जो हमारे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं उनके बच्चों की पढ़ाई की जो फीस है वो पहले भी जमा करवाई जा रही है, अब भी आगे जारी रहेगी। अग्रवाल समाज समिति के द्वारा इस वर्ष में ध्यान रखा जाएगा, पूरे प्रयास किए जाएंगे कि अग्रवाल समाज के जो बालक हैं, बच्चे हैं, 10th या उसके ऊपर के, जिनको कोचिंग की आवश्यकता है उसके लिए फ्री में कोचिंग करवाने की व्यवस्था, जो कि एक बंधु ने अभी इस प्रकार का प्रस्ताव भी दिया है, वो इस प्रकार की सेवाएं देने के लिए तैयार हैं और भी कई बंधु तैयार हैं। तो अग्रवाल समाज समिति के द्वारा अग्रवाल समाज के बच्चे आगे बढ़ें इसके लिए कोचिंग का व्यवस्था की जा रही है। और समाज के द्वारा जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए गर्मियों में पंखों की व्यवस्था की कमी रहती है, कोशिश करेंगे हम भी, संपर्क करेंगे स्कूलों से, सरकारी स्कूलों में पंखे लगवाने की एक व्यवस्था इस बार ज़रूर रखेंगे और ब्लड कैंप लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे जिससे स्वास्थ्य लाभ मिले। समाचार अभी और भी दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCom, ABST, MA ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉरपोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अब भाजपा सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी। चुनावी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने की मांग को लेकर भाजपा 28 जनवरी को सभी उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपेगी। 8 फरवरी को जेल भरो आंदोलन प्रदेश भर में होगा। वादा किया था कि 10 दिन में गिनती करके आपने बताया कि हम सारा कर्जा माफ कर देंगे। आप किसका कितना कर्जा माफ कर रहे हो, कब तक कर रहे हो, थोड़ा बहुत बताओ। 10 दिन तो, और फिर दोबारा मुख्यमंत्री मीटिंग बुला लेता है, वो अपने स्तर पर अधिकारियों को देता है। जब अधिकारी इस पेशोपेश में है कि किसकी माने, मुख्यमंत्री की माने कि उप मुख्यमंत्री की माने, जहाँ दो पावर सेंटर होंगे तो वो बहुत बड़ा नुकसान
जनता का होता है, कोई डिसीजन नहीं हो पाता, अधिकारी कोई काम नहीं कर पाते। आपने देखा होगा पहली बार देश में शपथ ग्रहण हुआ तो दो कुर्सियों पर लगाई, पहली बार उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय में नीचे मांग कर रहा है कि मेरे को ऑफिस जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर ही बिठाओ, और धीरे धीरे ये भी कहने लग जाएगा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में दो कुर्सियां रख दो, एक में मैं बैठूंगा एक में वो बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व में अभी योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान सरकार ने जो लोगों के साथ झूठी बातें करके वादे करके और सत्ता हत्याई है उसके खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चार जगह राजस्थान में घोषणा की थी कि सरकार बनेगी तो 10 दिन में सारे कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन आज एक महीना लगभग निकल गया और आज तक कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया जिससे लगे कि कर्जा माफी हो रही है। 3500 रुपया बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही गई, लेकिन आज तक एक भी उस शब्द उसके लिए नहीं कोई बोला। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी, 28 तारीख को हम उपखंड कार्यालयों पर ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और 8 फरवरी को हम पूरे राजस्थान में जेल भरो आंदोलन करेंगे, और तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होता और जब तक बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता सरकार नहीं देती। खाद्य सुरक्षा योजना के सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत 26 जनवरी को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत कोहला में ग्राम सभा में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं थी जिन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, ऐसे में विकास अधिकारी द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई। खाद्य सुरक्षा योजना के सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत कोहला में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा का मकसद था इस योजना के तहत पात्र लोगों को लाभ मिले और अपात्र लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटाया जाए। सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्राम सभा में डिपो होल्डरों द्वारा गत 6 माह के गेहूं वितरण का ब्यौरा दिया गया। इस अवसर पर ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं थी जो पात्रता की सूची में आते हैं लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने आपत्तियां दर्ज करवाई। बताया गया कि इससे पहले वे कई बार आवेदन कर चुके हैं, अधिकारियों कर्मचारियों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं लेकिन उन्हें गेहूं नहीं मिल रहा। विकास अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों की आपत्तियां दर्ज कर ली गई हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। अन तो कणक इसको ना मिले नहीं जिसको कणक मन जाए, भाई जमीन जागलन तो मिलती है गरीबन को नहीं मिले नहीं भी गरीब आवे भाई मिले को नहीं, तीन तीन चार चार फार्म भरियो आया यार जग से जागे भरवाया पटवारी का जागे छेन सुन भी करवाया ममरमला कनु सारा कनु करवाया तो भी कणक को नहीं मिले मारी फार्म भर भर गए नैनी तर कनाग जा गए अब गल आवेगी थारे कंप्यूटर पर आवा नहीं जिनका अंगूठा लगा दिया आई कोनी जग चेंज जाओ भी अठे मारे ग्राम से बड़ा लगे माने कोई फायदा कौन मिले लाग रही बड़ी बारी आगे मीटिंग होगी कोई को नहीं अठे भी मारी सुविधा कर लाग रही यही करके मैं कहना चाहवा भी मारी कणक मिलनी चाहिए गरीब आदमी दिहाड़ी करके टाइम पास हो गए। जो खाद्य सुरक्षा के जो पात्र परिवार है उन्होंने बहुत से एक आदमी ने 10-10 बार फार्म भरे हैं, मैंने खुद अपने हाथों से फार्म भरे हैं और वहाँ अपने हाथों से जमा करवा कर आया हूँ, लेकिन उनमें से कईयों के तो नाम आ गए हैं कईयों के नहीं आए हैं। जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं वहाँ अगर जाते हैं शिकायत करते हैं तो वो तो कहते हैं भी भाई कईयों पर तो बाई चांस पटवारी रिपोर्ट नहीं कर पाता, अगर कर दी है तो वहाँ ढेर मारे पड़े हैं। वो पात्र लोगों को मिलेगा फायदा क्यों नहीं मिला, पहले नहीं मिला अब मिलेगा, ऑनलाइन होगा सिस्टम अब मिलेगा, पहले तो नहीं मिला लोगों ने 10-10 बारी फार्म भर दिए फायदा नहीं हुआ और जमीन वालों को फायदा हो रहा है। अब हम फार्म ले रहे हैं ऑनलाइन करेंगे जरूर फायदा दिलाएंगे गरीबों को। आज हमारी ग्राम सभा का आयोजन किया गया है खाद्य सुरक्षा के लिए कि जिन परिवारों को पिछले 6 माह से गेहूँ नहीं मिल रही है या फिर किन्हीं कारणवश से जिनका नाम काट दिया गया है उनकी फॉर्म लिए जा रहे हैं और पिछले 6 माह में जो मृतक को जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके नाम आज काटे जाएंगे। वैसे काफ़ी आपत्तियाँ भी आ रही है कि 3-4 बार नाम फॉर्म लिए जा रहे हैं बट अभी तक उनका गेहूँ में नाम नहीं जुड़ रहा है तो उनकी आपत्तियाँ भी दर्ज कर रहे हैं और हम यही रिपोर्ट भेजेंगे। टाउन जंक्शन रोड पर बत्रा हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर रामायण पाठ हुआ। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बत्रा हॉस्पिटल में मरीजों के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं।
डॉक्टर निशांत बत्रा ने बताया कि मरीजों को हर तरह की सुविधाओं के साथ बेहतरीन इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर निशांत बत्रा को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का जिला अध्यक्ष भी बनाया गया है। मेरे नए प्रतिष्ठान बत्रा हॉस्पिटल का राजवी कॉलोनी में आज उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर मैं MS जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और डॉक्टर नीरज आहूजा बच्चों के विशेषज्ञ हैं। हम पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, आगे भी आपके सहयोग के आभारी रहेंगे। हाल में राजवी पैलेस में IMA के कार्यकारिणी के चुनाव हुए, जिससे मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इसके लिए सबका हार्दिक आभार, और मैं ये प्रयास करूंगा कि मेरी उपस्थिति में मेरे कार्यकाल में IMA तरक्की करे और नई ऊंचाइयों को छुए। डॉक्टरों के खिलाफ काफ़ी मुद्दे हैं, डॉक्टरों के पक्ष में भी काफ़ी मुद्दे हैं। इन पे गहन विचार और मनन करके फिर इसके बारे में आगे सोचा जाएगा। टाउन स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के खास अंश। खाऊंगी खा के भी सो जाऊंगी, दूध मिला रखी है उसमें दो मक्खी है, कैसे खाऊं या मैं भूखी ही सो जाऊं। अतिथि गणों, प्यारे बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से हम संविधान और देश, जाति, भाषा सब क्षेत्रवाद जो फैला हुआ है, इन पर आधारित कार्यक्रम करके हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम द्वारा लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज भी हमारा देश स्वतंत्र और संविधान में सशक्त है, और उसको वो आगे बढ़ेगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर शानदार बच्चों द्वारा एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया, और पेड़ पौधों की रक्षा के उनके बचाव और उनको वृक्षारोपण करने पर भी बच्चों द्वारा शानदार प्रस्तुत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।